यूपी के सरकारी स्कूलों में अब टीचर्स और स्टाफ की डिजिटल अटेंडेंस लगनी शुरू हो गई है। पहले ये प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिलों के बीएसए को सोमवार यानी आज से ही ऑनलाइन अटेंडेंस लगवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपस्थिति दर्ज कराने की समय सीमा में भी छूट दी गई है। पहले सुबह 7:45 से 8 बजे तक उपस्थिति दर्ज करानी थी, अब उपस्थिति दर्ज कराने का समय 30 मिनट बढ़ाते हुए 8:30 तक किया गया है। इतना ही नहीं, छात्रों की अटेंडेंस और मिड डे मील रजिस्टर भी डिजिटली तैयार किया जाएगा। हालांकि ऑनलाइन अटेंडेंस लागू होने से टीचर्स नाराज हैं। इस व्यवस्था के विरोध में शिक्षक संगठन एकजुट हो गए हैं। विरोध में टीचर्स ने एक्स पर बायकॉट ऑनलाइन हाजिरी ट्रेंड कराया, साथ ही टीचर भी काली पट्टी बांधकर स्कूल पहुंचे। इसके अलावा 15 जुलाई को अलग अलग शिक्षक संगठन जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी करेंगे। शिक्षक संगठनों का कहना है कि बरसात को देखते हुए फिलहाल इस फैसले को स्थगित किया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। वहीं यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी ब्रजेश पांडे ने कहा कि डिजिटल हाजिरी की मौजूदा व्यवस्था अव्यवहारिक है। गांव देहात की सड़कें, रेलवे क्रॉसिंग, सड़कों पर जाम और बाढ़ जैसी स्थिति में टीचर्स का स्कूल पहुंचना आसान नहीं है। सिर्फ 15 से 30 मिनट की टाइमिंग में वेतन कटौती अमानवीय कदम है। उनका कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी टीचर्स को सिर्फ 14 दिन की कैजुअल लीव मिलती है, कोई अर्न लीव नहीं मिलती है। प्राइमरी टीचर्स के मेडिकल इंश्योरेंस की भी कोई सुविधा नहीं है, जबकि राज्य कर्मचारियों को ये सारी सुविधाएं दी जाती है। ऐसे में सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद मानवीय दृष्टि से भी इस बारे में सोचे। अगर टीचर लेट हो जाता है तो उसके पास आधे दिन की कैजुअल लीव लगाने या अर्न लीव जैसा विकल्प होना चाहिए। शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा जो जानबूझकर स्कूल देरी से पहुंचने की सोचता होगा। टीचर से पढ़ाई के अलावा भी तमाम काम लिए जाते हैं और वो सही नहीं है। उधर यूपी के शिक्षा विभाग ने टीचर्स को तय समय से 30 मिनट बाद तक डिजिटल हाजिरी बनाने की छूट दी है। साथ ही यूपी के शिक्षा विभाग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि परिषदीय विद्यालयों के डिजिटल हस्ताक्षर के आदेश दे दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही शिक्षा विभाग में ये भी बताया गया है कि देर से हाजिरी लगाने पर स्कूल देर पहुंचने का कारण भी बताना होगा। यूपी में कुल 113,249 प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें प्रिंसिपल और सहायक अध्यापकों के कुल 417,886 स्वीकृत पद हैं। इसमें 3.32 लाख शिक्षक और 1.47 लाख शिक्षा मित्र अभी कार्यरत हैं। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के करीब 85,000 पद रिक्त हैं। बहरहाल डिजिटल अटेंडेंस लगाने की व्यवस्था को लेकर खूब विरोध हो रहा है और इस फैसले को रद्द करने की मांग हो रही है। इसके अलावा काली पट्टी बांधकर 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय भी लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि टीचर्स का विरोध खत्म होता है या ये फैसला वापस होता है।